खजूर के गुड़ से बना खीर बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है इसे बनाने के लिए मैंने गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट लिया है यहाँ मैंने लिया है चार चम्मच गोविंदो भोग चावल तीन से चार चम्मच चीनी और करीब करीब डेढ़ सौ ग्राम खजूर का गुड़ इससे हम खीर बनाएंगे। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ एक किलो दूध को गर्म होने के लिए बिठा दिया है इसमें हम मिला देंगे चीनी मिला लेंगे इसे और जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू हो जाता है हम इसमें डालेंगे चावल चावल को मैंने पहले ही धो लिया था इसे चलाते हुए हम पकाएंगे इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे चलाते हुए हम इसे पकाएंगे, हम चावल को चेक कर लेंगे जब चावल एटी करीब करीब एटी परसेंट तक पक जाता है तब हम इसमें मिला देंगे गुड़ आँच को बंद करेंगे क्योंकि तेज़ खोलते हुए दूध में अगर हम गुड़ को मिलाते हैं तो गुड़ दूध फटने का चांस रहता है इसलिए आँच को बंद करके गुड़ को मिला देंगे मिलाने के बाद हम फिर से आँच को जला लेंगे इसे चलाते हुए हम पकाएंगे धीमी आंच पे रखेंगे इसे पंद्रह मिनट तक पकाएंगे यहाँ हमारा दूध जो है गाढ़ा हो गया है और चावल भी लगभग पक चुका है तो हम आज को अब बंद कर देंगे और इसे ठंड हमारा जो खीर है पक के रेडी है तो हम आज को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद हमारा जो खीर है वो बन के रेडी है ये जो खीर बना है बहुत ही टेस्टी होता है इसमें एक अलग ही टाइप का फ्लेवर होता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है गार्निशिंग के लिए यहाँ हम ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो